आपसे भेजकर ये मैं समझा मुझे कि तुम अपने टॉपिक बदलो, ये कौन सामने कौन उजागर करना चाहता हूँ कि तुम अपने जीने के तरीके को बदलो, हकीकत को समझो और लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो, इज्जत के लिए निकलो। अल्लाह ताला शादियों को पसंद करता है, अमीर बनने वाले को पसंद नहीं करता। सदन की हैसियत से और मन पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उन सब का दिल पूर्वक दिल से आदर करता हूं और इस शहर के साथ सबको मानता हूं। हर इंतजार से पहले हर इंतहार के बाद जितने नबी बुलंद है, जितने खुदा के बाद मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद अल्लाह आज मुझे बोलने का मौका मिला। मेरी आदत तो ऐसी है कि लोग कहते हैं मैं लफ्जों में जहर घोलता हूँ, लोग कहते हैं मैं लफ्जों में जहर घोलता हूँ, मेरा कसूर यह है मैं सच बोलता हूँ। आज मेरे सामने बैठे हुए तमाम कौम के लोग, मंच पर बैठे भारत के सभी भाई, हमारे सभी बुजुर्ग जो मुझसे बेहतर है, मुझसे ऊंचे है, मुझसे ज्यादा आला इज्जत वाले लोग हैं, सबका खैर मकदम। मगर आज कुछ बात जरूर कहूंगा। एक लंबे अरसे से मैंने राजनीति को बहुत अच्छे से देखा और मुसलमानों को हर पार्टी में देखा और हर पार्टी खासतौर से सेक्युलर मुसलमान को समाज का कौम का चेहरा समझ के अपने साथ रखती है। ये मैं कहना और ये सिकंदर चंदन मिलते कि तुम सियासत से चले गए, क्यों? ये प्रोग्राम का मंच बता रहा है, ये दो रंग के प्रोग्राम है, क्यों इवन इसलिए सियासत की बात जरूर करूंगा क्योंकि 70 सालों से इस मुल्क में सैकड़ों हुकूमत का जिम्मा हमने रखा था। तुम्हारे नाम से करवट बदल नहीं सकता, हमारे नाम से आवाज दो जमाने को। मेरे कौन से भाइयों, हमारा सिर्फ इस्तेमाल हुआ है और जो भी चेहरा पार्टी ने अपने साथ रखा उसने कौन से मसाइल को बाहर साथ रखकर के मेरी शिकायत दिला लिया, अपने आप को देखा है। तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता का सीना कैसे टूटा, मुझे रह जमीन से गिरा नहीं, तेरी रह गरी का सवाल है। बड़े दुख की बात है, ये वो कौन है जिसने सदियों तक इस मुल्क पर हुकूमत किया और हमने इस मुल्क को नहीं पूरी दुनिया को सेकंड वर्जन के डेफिनेशन हमने सिखाया। 700 साल यहाँ राज किया, उस वक्त के मुसलमान 70 से 80% थे और मेरे आदरणीय हिंदू भाई 70 से 80% थे, मगर दोनों का संगम पूरी दुनिया में गर्व का मुकाम है। ये मुल्क पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा नमूना है जहां पर मस्जिद भी है तो मंदिर भी है, जहां शिवाजी महाराज का महल है वहां मस्जिद भी है। इस मुल्क के अंदर शिवाजी महाराज जैसा महान नेता जिसने जब अवस्थी बेगमान को कैद करके उनके सामने पेश किया गया तो उनके मुंह से ये लफ्ज निकले थे, काश मेरी माँ, मैं आपके रूप में मैं अपनी माँ का दर्शन कर रहा हूं, ये विचार थे शिवाजी महाराज के। और हमारी कौम को कितना भरोसा था, उनका रक्षक मुस्लिम, उनका तोप की मुस्लिम, उनका हाजिर मुस्लिम, उनका वफादार। मेरे दोस्तों, आज हमारे हालात के लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं, खासतौर से मुसलमानों के लिए। नंबर 1 उलमाए किराम, क्यों? हम मुसलमान हैं, मुसलमान इस्लाम एक ऐसा है कि हर एक की इज्जत करना, हर एक की मदद करना इंसाना कुर्बानी का जज्बा सिखाता है। मजहब भी कहता है जो बाप अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए पसंद कर। एक इज्जत हुई, ये कौम के अंदर हिम्मत का जज्बा करने वाला कोई पैदा नजर नहीं आता। सियासी मैदान बहुत हमने सजाए, सियासी मैदानों को हमने बहुत सजाए, कौम के मसाइल को लेकर मैदान नहीं सजाए, कौम के मसाइलों को लेकर हमने गुफ्तगु नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए हमारा जो शहूर नहीं, एक हदीस शरीफ की मौसम आपके सामने रखूंगा। ना आए लोग जब कौम को सरबरा बना दिए जाएंगे, जब ना आए लोग कौम को सरबरा बना दिए जाएंगे, उनकी नाहलियत के फैसलों से जो नुकसान कौम को पहुंचेगा उसके जिम्मेदार बनने वाला नहीं बनाने
समझ कर नहीं थी, इसलिए हमारा इस ग्रुप के अंदर वजूद कैसे हुआ मालूम है? सेकुलर लोग चुनाव आ गया, सेकुलर वोट देव है, क्योंकि तुम सेकुलर है। अरे हम सेकुलर है वोट देने के लिए, और तुम जब हमारी बारी आती है हमसे पूछते हैं बाहर के अंदर ठीक है तुम्हारे, ये बात मैं हल्के भी नहीं ले रहा हूं और निकाल बात कर रहा हूं। 1952 का पहला चुनाव है लोकसभा का, मौलाना आजाद नेहरू जी के पास जाते हैं, बहुत बहुत बोल रहा हूं बुरा मत मानना, और कहते हैं मौलाना आजाद मेरा जी चाहता है मैं भी चुनाव लड़ूं। और बात से नेहरू जी कहते हैं कि जहां भी मुस्लिम महिला का जो प्रतिनिधित्व वो चुनाते थे वो रामपुर से चुनाव लड़ते हैं, क्यों? तो मुस्लिम महिला का था, यह हमारा सेकुलर था। मेरे दोस्तों बंदिश हम पर है, क्या सेकुलर है हम हूं थे, भारत मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब उन्होंने पूरे रूप में कहा कि लोकतंत्र में किसी भी समाज को, लोकतंत्र में किसी भी समाज को अन्य मुक्त होने के लिए सत्ता में भागीदारी जरूरी है। 545 साल का मुसलमान कितने तो बोले 20 साल, क्योंकि हर पार्टी कई पार्टी होती है। आंध्रा बंबई में कितने, महाराष्ट्र के 2 शाखा, मुसलमान आंध्रा कितने कोई भी 11। अरे ऐसा क्यों, क्यों ना हमारे सामने और सामस्तों को हमारे खड़ा करके ये कहते हैं कि हम तुमको चुनकर लाएंगे, तुम्हारे वो कितने ये क्यों पूछते हैं? बड़े साल से बात कर रहा हूँ, बुरा लग रहा हो लोगों को, मगर मेरी आदत है, मैं अपनी आदत से मजबूत हूँ। मेरे दोस्तों सुषमा जी की बात छोड़ के इसलिए कह रहा हूँ कि जिन के अंदर एक धर्म है बहुत लंबा बहुत छात्री राजनीति में सबसे पहले मुस्लिम लीग का आता मैंने, हर सियासी से गौर पार्टी का काम किया मैंने, हमारा सब कुछ तमाम होता है, क्यों हम आवाज नहीं उठाते, हम आवाज नहीं उठाते, हमारे सब दान शास्त्र होते हैं खामोश बैठे हैं, ये खामोशी का वजह है हम हाशिए पर आ गए। मेरे दोस्तों हमको छोड़ना पड़ेगा, कौम की हिम्मत के लिए आना पड़ेगा। आज हमारी कौम के अंदर 2005 में जाकर कहता है राजा का सत्य जस्टिस उन्होंने जब पेश किया बताया हिंदुस्तान में आज मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्या बोला गया दलितों से भी खराब हो चुकी है, ये कैसा क्यों हुआ ऐसा, क्या हमें सोचना बंद कर दिया? इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, और इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे दिमाग में यह आया जब हम एक सोशल सोसाइटी स्थापित कर ले और कौम की खिदमत के लिए बड़ी हिंदुस्तान के लिए दुनिया में जितनी भी कौम है सदैव आदम की आवाज है, इसलिए हमने यह सोचा कि अब हम ऐसी सोसाइटी बनाए जिसमें हर हिम्मत का हर कौन के आदमी जो खिदमत कर सके। इसी मकसद को लेकर अब यह सियासत से हटकर मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मैं किसी पार्टी के साथ में नहीं हूँ, पहले भारतीय हूँ और मुसलमान हूँ, इसलिए हमने सोचा कि यह सोसाइटी बने और कौन की और हर उस आदमी की चाहे वो किसी मजहब का हो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैल रखना हिंदी है वतन है हिंदू सिखा हमारा सबके हिम्मत हम कर सके, यह जज्बे को लेकर हम ये सोसाइटी को कायम किए। अब ये सोसाइटी को कायम करने का मकसद था हिम्मत, अब इसके अंदर अलग अलग दिमाग है, अलग अलग चेहरे है, अलग अलग मकसद है, अपने जो सारी बातों को बारह साथ रखकर एक मकसद सामने रखना पड़ेगा कि हम जिंदगी में किसी के काम आ जाए, और दूसरा बहुत सोचो इज्जत को देना अल्लाह के अख्तियार में होता है, फैजान बहुत मामूली औकात का आदमी है, मगर अल्लाह जिसको इज्जत देने चाहते हैं ना तो बकरी चढ़ाने वालों को हुकूमत दे देते हैं, तो इस तरीके से ये कजल्बा जज्बा है हिम्मत का किसी भी काम में आता है, इसलिए हमारे दिमाग में आया इसको अध्यक्ष बना दो और ये काम कौम की खिदमत के लिए करने की जरूरत है, मिलकर चलो। क्योंकि आज स्कूल का मामला ऐसा है कि मास्टर वर्ग जो है कौन के दिमाग बोला गया मास्टरों को, ये हमारे कौन फाउंडर ऑफ नेशन, आज मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के अंदर हमारा नाम इतना बिगड़ा हुआ है कि 7वीं का बच्चा जब 8वीं में आता है तो उसको खत लिखते नहीं आता, इसके जिम्मेदार मास्टर साफ है, वो ईमानदारी के साथ कौन के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। और मैं हमेशा बोलता हूँ बार-बार से बोलता हूँ कि जो मास्टर अपनी ड्यूटी में ईमानदारी से फर्ज पूरा नहीं कर रहे कौन के आने वाली पीढ़ी का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे मास्टरों के आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल दिला देते हैं। मेरा ये जो मकसद है ये तलब जो है कि आज हमको एजुकेशन की बहुत जरूरत है,
हमको तालीम हासिल करने की जरूरत है। तालीम का मतलब नौकरी नहीं, जीने का शौर आ जाता, हमारा इंसाफ समझ में आता, जुम्मन के साथ आवाज उठाना आता। इसलिए हमको जरूरत उठाती है कि तालीम की तरफ ख्याल ज्यादा से ज्यादा दे। और ये मस्जिद में जो लोग बच्चे हैं वो इस बात को समझे कि मैं मुखाना हक के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत बोल रहा हूँ। और बार बार शिक्षे भेज कर ये मैं समझा मुझे कि तुम अपना टॉपिक बदलो, ये कौन सामने है, कौन उजागर करना चाहता हूँ कि तुम अपने जीने के तरीके को बदलो, हकीकत को समझो और लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो, हिज्जत के लिए निकलो। अल्लाह ताला कादियों को पसंद करता है, कमी बनने वाले को पसंद नहीं करता। जो कौन की हिम्मत करता है वही कौन को सरदार होता है। इसलिए हमको जुड़कर कौमी हिम्मत की तरफ ध्यान देना होगा। सियासत आते रहेगी जाते रहेगी, होते रहेंगे जाते रहेंगे, उनको कौन को जोड़कर तालीम की तरफ ध्यान देना है, गरीबों की बीमारी की तरफ ध्यान देना है। हमको ब्लड ग्रुप चेक कर करके जवानों के रूप से नंबर रखना है ताकि किसी को खून की जरूरत पड़े तो उसके लिए हम पहुँच सके। ये मकसद को लेकर हम यहाँ निकले हैं। और तालीम और ये एम्बुलेंस ये जो मसले है कि कौन के लिए नहीं पूरे इंसानों के लिए जरूरत है और हमारी कौन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं ये बात को नहीं पसंद करता हूँ, मेरी बात से किसी को बुरा ना हो तो मैं खुले दिल से माफी मांगता हूँ, खुले दिल से माफी मांगता हूँ। जो कहा सब कहा मैंने आगे कल में, इसलिए मैंने जो भी कहा उसको आप लोगों ने सुना। टूटी हुई उंगली पर अपनी कमी को सत्य करता हूँ, टूटी हुई उंगली पर छोटा सा एक करार, टूटी हुई उंगली पर छोटा सा एक करार, मौसम से कह रहा है आंधी चला के दे। आप लोगों ने सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।